Hello Stern, I hope you all are well. So in this session we will discuss about prejudice. So in our last session, we will discuss about some of the introduction about our previous chapter, diversity. What is the definition of diversity? Why it is necessary and why it is affected of prejudice. ओके प्रेजुडाइज से वो कैसे ऐसे रिलेटेड है. सो उसके बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत देख लिया था ऑन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 199 में, ठीक है. और उसके अलावा हम लोगों ने एक केस स्टडी भी लर्न की थी जो थी द इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशंस, ओके ईओसी. और ईओसी जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू उसका जो प्रपोजल और उसका जो सेटअप हुआ था वो February 20, 2014 में हुआ था. तो वो हम लोगों ने जाना था ईओसी के बारे में. उसमें जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है तो उसके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं जॉब से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड. क्योंकि माइनर कम्युनिटी जो है, माइनॉरिटी मींस व्हाट, कि जो हमारे टोटल पॉपुलेशन है उसमें कोई ऐसी कम्युनिटी होती है, मीन्स कोई ऐसी कास्ट होती है जिसकी पॉपुलेशन अदर कास्ट से कम होती है. जैसे कि हिंदू हैं तो 98% जो पॉपुलेशन की बात करें तो 98% पॉपुलेशन जो है वो हिंदू धर्म फॉलो करते हैं. और 0.33% जो है वो अदर लाइक माइनॉरिटी लाइक जैन है, मुस्लिम है. तो ये सभी माइनॉरिटी कम्युनिटीज है जिसमें अराउंड 30 to 40 lakhs ही हो गए. हमारे 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग टू हम लोगों ने देखा था कि हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ से भी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है. अभी उस पॉपुलेशन में 30 या 40 लैक्स तो बहुत कम हुई ना. सो ऐसी जो कम्युनिटी है उनको माइनॉरिटी में डाल दिया है. इसलिए उनके लिए एक कमीशन बनाया है, दैट इज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कमीशन. ये सब कुछ हम लोगों ने जान लिया था लास्ट लेक्चर में. उसके बाद हम लोगों ने प्रेजुडाइज जो है उसकी डेफिनेशन भी लर्न की थी. सो फिर से अभी एक और बार हम लोग वो लर्न कर लेते हैं. सो यार सी द डेफिनेशन मीनिंग लाइक प्रेजुडाइज मीन्स टू सी और जज अदर पीपल इन अ नेगेटिव और इन्फीरियर मैनर विदाउट नोविंग मच अबाउट them. इट happens when पीपल हैविंग फॉल्स बिलीफ एंड आइडिया. हम प्रेजुडाइज मीन्स वन काइंड ऑफ एक टाइप का बिलीफ है, नेगेटिव बिलीफ है, जो हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि ये ऐसा है ये वैसा है करके विदाउट सेइंग हिज और हर वर्क. हम लोग एक मेंटालिटी बना लेते हैं उसका हम लोग नेगेटिव ही बोलते हैं. मैंने एग्जांपल दिया था कि दो स्टूडेंट है या दो पार्टी है, ए और बी, ओके. तो दोनों की पर्सनालिटी सेम नहीं होती. फाइव फिंगर है तो फाइव फिंगर्स आर नॉट ऑलवेज सेम. सभी का अलग अलग मेंटालिटी होती है, सभी का माइंडसेट अलग होता है, सभी के थॉट अलग होते हैं. कोई ज़्यादा स्मार्ट होता है तो कोई कम स्मार्ट होता है. सो हम लोग आगे सच एग्जाम्पल. इफ़ यू थिंक दैट इंग्लिश इज़ द मोस्ट सुपीरियर लैंग्वेज एंड ऑल अदर लैंग्वेजेस आर इन्फीरियर टू इट, देन यू आर जजिंग अदर लैंग्वेजेस एंड ऑल्सो द पीपल वो स्पीक इन दिस लैंग्वेजेस इज नेगेटिवली. हम लोग ऐसे जज कर लेंगे कि इंग्लिश है वो सुपीरियर लैंग्वेज है, सभी लैंग्वेज में बेस्ट लैंग्वेज हो तो इंग्लिश है. इंग्लिश आता हो तो कोई भी कहीं भी चल सकता है, या एक अलग आइडेंटिटी होती है. अगर आपको इंग्लिश आता है तो वर्ल्ड में कहीं भी आप लोग जा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो. नो, सिर्फ इंग्लिश ऐसी ही लैंग्वेज नहीं है, वो सुपीरियर लैंग्वेज है. तो अभी चलो इंग्लिश मान लेते हैं कि इंग्लिश इज़ द मोस्ट सुपीरियर लैंग्वेज, पर उसमें अदर लैंग्वेजेस की कोई प्रॉब्लम. लाइक ऑल अदर लैंग्वेजेस आर इन्फीरियर टू इट, देन यू आर जजिंग अदर लैंग्वेजेस एंड ऑल्सो द पीपल हु इज स्पीकिंग दिस लैंग्वेजेस नेगेटिवली. तो अभी इंग्लिश है, एक ही लैंग्वेज ऐसी है, आप लोग मान लो कि ये इंग्लिश है, तो इट डजंट मीन कि बाकी सारी लैंग्वेजेस डम्ब है. ऐसा नहीं है कि चलो आपको इंडिया में हो पर आप लोग को इंग्लिश नहीं आती तो ये हम दुनिया में कुछ भी नहीं. हमारा जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है तो वो खुद बोलता है कि आई एम नॉट नोइंग इंग्लिश. वो खुद बोलता है कि मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी तरह से नहीं आती है.
वो खुद अपने कोई भी, अभी भी आप लोग देखो कि वो हमारा देश चलाता है, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है। आप ये प्राइम मिनिस्टर के बाद अदर साउथ के भी बहुत सारे ऐसे सीएम हैं। अभी जस्ट रिसेंटली ऐसे न्यूज़ में मैंने देखा था कि एक सीएम था और उसने फिर से ऐसे अपनी स्टडी एजुकेशन स्टार्ट किया और अभी 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया। क्यों? वो उसका प्रॉब्लम एक ही था कि वो जब भी ऐसे बोलता था तो ऐसे लाइक उनकी जो लैंग्वेज थी वो हिंदी में बोलता था। तो वाई क्यों लोग हिंदी में नहीं बात कर सकते? क्यों इंग्लिश को ही सुपीरियर ऐसे सुपीरियर प्रायोरिटी दी जा सकती है? आप लोग साउथ में जाओगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल स्पीक इन इंग्लिश, तो इट डजेंट मीन बिकॉज हिंदी इज़ अवर मेन लैंग्वेज। हम लोगों ने अगर डाइवर्सिटी में बात कर ली थी, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इस टॉपिक के बारे में, जैसे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में भी आप लोगों को सभी को पता होगा कि देर आर नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, ओके, देर आर नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया। द ऑफिशियल अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रिकॉग्नाइजेस 22 लैंग्वेजेस सच एज बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी। There are official languages and Hindi is the main official language while English is the secondary official language. Okay, and this linguistic diversity has added a great variety of our Indian culture. ये हम लोगों ने देखा था और 22 languages के बारे में भी आप लोगों को अभी देखना हो, फिर से भूल गए हो diversity में, तो वापस आगे के chapter में चले जाना, diversity वाले chapter में, और page number 194 open करना, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा कि क्या है linguistic diversity, okay? So, यहाँ पे आप लोगों को concept clear हो गया, ठीक है? So that English is the most superior languages and all other languages are inferior to it. बाकी सारी languages उसके सामने कुछ नहीं है। ये people ने एक mentality कि चलो ये English बोलता है, वाह क्या personality, फिर चलो उसमें बहुत सारी grammatical mistake करो या कुछ भी करो, पर हम लोग क्या बोलते हैं, वाह ये तो English में बोलता है। फिर चलो कोई बात नहीं, हम लोग सुन भी लेते हैं, ये English में बात करता है, बोलता है, हम लोग पूरा सुन भी लेते हैं, तो क्या पूरा समझ में आ जाता है? थोड़ा बहुत ऊपर से भी जाता होगा आप लोगों को। तो ये सारी जो चीज़ है, ऐसा नहीं है कि जो आप इंग्लिश को उतनी प्रायोरिटी दो पर हमारी जो मदर टंग है और एल्स अदर लैंग्वेजेस है उनको इतनी प्रायोरिटी ना दो, ये भी गलत चीज़ है। ओके, तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट पैराग्राफ में डिस्क्राइब की हैं। सेकेंड वन इज़ सेकेंड पैराग्राफ में आप लोग देखोगे, so when we form an idea or opinion about others without getting to know them properly, it influences our behavior as well. We may be rude or unfriendly toward people against whom we feel prejudiced. At a time, we may even act in a certain manner that can hurt or harm them and their feelings. This brings about differences among people. अभी आप लोग सेकंड पैराग्राफ में देखोगे तो आप लोग को क्या पता चलता है कि जब हम लोग कोई आइडिया जनरेट करते हैं, ठीक है, अभी आप लोगों के सपोज क्लासरूम में कोई अगर गेम खेलनी हो या कोई भी फेस्टिवल आ रहा हो और फेस्टिवल में सभी को ऐसे ग्रुप परफॉर्मेंस करना है, ठीक है, कोई ग्रुप सॉन्ग पे परफॉर्म करना है, तो क्या होगा कि आप लोगों को ग्रुप सॉन्ग में अगर आपको परफॉर्म करना है तो आप लोगों को, अगर इसमें से आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा है, ठीक है, सपोज़ कोई ए पर्सन ले लेते हैं, कोई एक्स वाई जेड ए पर्सन ले लेते हैं, तो अभी कोई एक पर्टिकुलर ए पर्सन है, नाम नहीं ले रहे हैं, पर कोई पर्सन ए है, उसको खड़ा कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली खड़ा ही हो जाता है क्योंकि वो क्लास का ऐसा प्रेसिडेंट होता है या क्लास का मॉनिटर होता है। और अभी चलो ग्रुप परफॉर्मेंस देना है, वो क्लास का मॉनिटर है और वो अपने टीचर के जाके बोल देगा कि हम इस सॉन्ग पे ऐसे ड्यूएट परफॉर्मेंस करेंगे या ग्रुप सॉन्ग पे परफॉर्मेंस करेंगे या इसमें ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। सो वो जाके टीचर को कह आता है तो उसकी इन फ्रंट ऑफ आवर सेल्फ, हम लोगों के सामने उसकी पर्सनालिटी क्या पड़ेगी? एक रूड पर्सनालिटी पड़ेगी कि
क्या होगा कि इतने सारे आप में क्लासरूम में आपके टोटल 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ओके फॉर एग्जांपल 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 30 लोगों का ओपिनियन लिए बगैर उसने आपका खुद का आइडिया जनरेट कर दिया और बोल दिया कि हम लोग इस सॉन्ग के ऊपर परफॉर्मेंस देंगे। सो दूसरों को क्या सॉन्ग अच्छा लगता है, कौन सा सॉन्ग नहीं अच्छा लगता है, क्या परफॉर्मेंस देना है, उसमें कौन से डांस फॉर्मूला रखने हैं, लिरिकल हिप हॉप रखना है या एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ है, तो दूसरों का ओपिनियन लिए बगैर उसने खुद ही ऐसे जज करके बोल दिया टीचर को कि मैम हम लोग इस सॉन्ग के ऊपर परफॉर्मेंस देंगे। अभी दूसरों का आइडिया लिए बगैर, दूसरों का ओपिनियन लिए बगैर खुद आइडिया अगर जनरेट करके खुद ही टीचर को जाके बोल आता है तो इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट उसकी पर्सनालिटी क्या पड़ेगी, ठीक है, और उसका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा बाकी सारे कैंडिडेट से, बाकी सारे स्टूडेंट के सामने उसका बिहेवियर थोड़ा अलग होगा कि यार ये कितना रूड है, इसने तो किसी का ओपिनियन भी लिया नहीं, किसी को पूछा भी नहीं। कहीं अगर आप लोगों को पिकनिक में जाना हो तो पिकनिक में कोई बोलेगा कि हमें पोलो फॉरेस्ट जाना है, कोई बोलेगा इमेज का जाना है, तो सभी के अलग अलग थॉट होते हैं। अगर उसमें से कोई एक बंदा जाके छोटी चर का ऐसे वाटर पोल्यूशिंग ज़्यादा करता हो तो वो जाके बोल आएगा कि मैम हम सभी को है ना पोलो फॉरेस्ट जाना है। अभी दूसरे स्टूडेंट को इमेज का जाना होता है तो क्या होगा, एक जो आइडेंटिटी होती है नेगेटिव आइडेंटिटी क्रिएट होती है। किसी आइडेंटिटी क्रिएट होती है, नेगेटिव आइडेंटिटी क्रिएट होती है। सो एट अ टाइम वी इवन एक्ट इन अ सर्टेन मैनर दैट कैन हर्ट और हार्म देम एंड देयर फीलिंग्स, दिस ब्रिंग्स अबाउट डिफरेंसेस अमॉन्ग पीपल। ये सारी चीज़ हो गई, ठीक है, कि किसी और का मिस बिहेवियर, किसी और का डिसीजन किसी और के लिए हार्मफुल होगा। अगर वही चीज़ सभी के ओपिनियन लेके अगर करो तो डेफिनेटली उसका आउटकम भी बहुत अच्छा आएगा। जैसे कि ग्रुप सॉन्ग में परफॉर्मेंस करने वाले 30 स्टूडेंट है तो 30 सभी को पार्टिसिपेट करना है, पर वो जो सॉन्ग के टीचर को आ गया तो उस सॉन्ग में सभी को परफॉर्मेंस नहीं करना है तो फिर क्या होगा, 30 में से हार्डली 10 कैंडिडेट ही जाएंगे और 10 कैंडिडेट ही बोलेंगे कि हम लोग डांस करेंगे, कि बाकी को 20 स्टूडेंट को अगर रहना है पर वो सॉन्ग ऐसा है उसकी वजह से वो लोग रह नहीं रहे। इसलिए हमेशा कोई भी चीज़ करो, डिसीजन लो तो सभी का ओपिनियन लेके करो। आइडिया जनरेट करना अच्छी बात है पर हमेशा अगर किसका ओपिनियन लेके करो तो उसका जो आउटकम आएगा, फाइनल आउटकम, वो बहुत मीन्स बहुत अच्छा होगा और ये सभी के फेवर में होगा और इससे किसी को ऐसे यू नो व्हाट किसी को हार्म नहीं होगा, कि किसी को ऐसे नेगेटिव फीलिंग नहीं आएंगे कि देखो हमें तो पूछा ही नहीं ये वो। तो एटलीस्ट कोई भी चीज़ लो, डिसीजन लो कोई भी, तो हमेशा किसी को पूछ के, अगर आपको अपने रूम है तो रूम में कलर करवाना हो, ठीक है, ये तो चलो दूसरी बात हो गई। अगर आपको कोई कॉम्पास बॉक्स या बुक्स परचेज करनी हो तो आप लोग अपने आप जाके ले आओगे, इससे बेटर आप अपने पेरेंट्स को पूछ के लाओ तो उसकी इफ़ेक्ट अलग ही होगी कि पेरेंट्स को एक फीलिंग आएगी कि यार चलो अच्छी बात है कि हमारा बेटा एटलीस्ट हमें पूछ के कोई भी डिसीजन लेता है। एक पेरेंट्स बाकी अदर पेरेंट्स को भी बोलेंगे, कोई ऐसा बोलेगा कि मेरा बेटा तो कुछ मानता ही नहीं, वो अपनी ही करता है, तो जब आपके पेरेंट्स से बोलेंगे कि हमारा बेटा हर एक चीज़ हमें पूछ के ही करता है, फिर भले ही बाद में आप लोग अपनी ही करो पर एक बार एटलीस्ट किसी का ओपिनियन ले लो, सजेशन ले लो, तो उसकी इफ़ेक्ट होगी वो अलग ही होगी और वो एक्चुअली आप लोगों की जो रूटीन लाइफ है, डे टू डे लाइफ है, उसमें आप लोगों को जो दूसरों का बिहेवियर होगा, पेरेंट्स साइज का बिहेवियर होगा, आपके फ्रेंड सर्कल का बिहेवियर होगा, तो उसकी इफ़ेक्ट एकदम से अलग ही आ जाएगी, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई प्रेजुडाइज। और लास्ट पैराग्राफ हम लोग देखेंगे कि प्रेजुडाइजेस कैन बी बेस्ड ऑन मेनी थिंग्स लाइक पीपल्स रिलीजियस बिलीफ, द रीजन दे कम फ्रॉम, द कलर ऑफ देयर स्किन, देयर एसेंट और द क्लॉथ दे वियर। यस, ये भी चीज़ होती हैं कि प्रेजुडाइज जो है वो बेस्ड ऑन मेनी थिंग, बहुत सारी ऐसी थिंग्स है जिसके ऊपर से प्रेजुडाइज आता है, लाइक जो रिलीजियस बिलीफ है,
के पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, कोई अलग अलग स्टेट से बिलोंग करता है या कोई अलग अलग कास्ट से बिलोंग करता है, अगर आपका पूरा क्लास हिंदू है, आप पूरा एक से फ्रेंड सर्कल होते हैं पूरा हिंदू का है, और कोई ऐसे एक दो मोमेडियन हो गए ठीक है कि किसी वो मुस्लिम धर्म फॉलो करते हैं कोई स्टूडेंट, और बाकी के सारे स्टूडेंट जो है 90% तो वो लोग ऐसे हिंदू धर्म फॉलो करते हैं, तो एक वेरिएशन आ जाएगा। जब ये जब आप बड़े हो जाओगे समझदार बनोगे तब ये चीज़ अलग होती है कि वी ऑल आर इंडियन, बट जब हम एडल्ट एज में होते हैं चाइल्डिश बिहेवियर होता है थोड़ा हम लोगों में, कि चाइल्डिश बिहेवियर लाइक यार ये तो मुस्लिम है, इसको तो हमारे धर्म का कुछ आता नहीं, ये नहीं है वो नहीं है, ये अलग रीजन से बिलोंग करता है, ये अलग स्टेट से बिलोंग करता है, ये सब कुछ, तो ये सब कुछ जो है वो हमारी बिलीफ है। कलर ऑफ देयर स्किन, इसका कलर ब्लैक है, इसका कलर वाइट है, देखो वाइट वाले को फ्रेंडशिप करनी हो तो वाइट वालों को पहली प्रायोरिटी दी जाती है, तो ये ब्लैक कलर वाइट कलर ठीक है, तो पहले ऐसे सिस्टम थी ब्लैक कलर वाइट कलर की, जब हमें फ्रीडम नहीं मिली थी, इंडिया को फ्रीडम नहीं मिली थी, उससे पहले ऐसे सिस्टम थी ब्लैक कलर और वाइट कलर के एम्प्लॉय के, बस में अगर बैठते हो तो अभी सपोज आप लोग आगे की सीट में बैठे हो तो वो कोई ब्लैक कलर का इंडियन बैठा हो, तो जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो वो वाइट कलर के होते हैं, तो वाइट कलर एम्प्लॉय उसको उन लोगों को बोलते हैं कि वाइट कलर पर्सन, तो उन लोगों को जो इंडियन होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, तो उनको उठ के पीछे बैठ जाना पड़ता है, और जो वाइट कॉलर एम्प्लॉय जो बोलते हैं कि वाइट कॉलर के पर्सन, ये दोनों चीज़ आती हैं उनमें, तो वो लोग आगे के सीट में बैठते हैं। तो ये सारी जो है वो हमारी बिलीफ है कि ऐसा नहीं है कि चलो ये ब्लैक कलर का है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो जैसे मिशन मंगल आप लोगों ने मूवी देखा होगा, तो मिशन मंगल मूवी में जो मंगलयान तक पहुंचाने वाला जो भी बंदा था जिसने पूरा प्रोजेक्ट एडॉप्ट किया था, तो वो भी ब्लैक कलर का था, ओके उसका भी कलर ब्लैक ही था, जैसे कि हमारे APJ अब्दुल कलाम, तो उनकी भी स्किन ब्लैक ही थी, फेयर नहीं थी, जैसे कि हम गांधी जी हैं तो गांधी जी की भी वो फेयर स्किन नहीं थी, वो भी ब्लैक ही थे। पर ये जो है ना वो बिलीफ है हम लोगों की कि ये जो कलर होती है तो वो हमारी पर्सनालिटी में बहुत इफ़ेक्ट करती है, तो ये सारी जो है ना वो बिलीफ है। एंड लास्ट वन इज दर असाइन और द क्लोथ है वियर, कोई अच्छे कपड़े पहनता है, कोई नॉर्मल कपड़े पहनता है, कोई एकदम हाईटेक होता है जिसकी पर्सनालिटी एकदम अलग ही होती है, कि बहुत अच्छे हेयर ड्रेसअप किए होते हैं, नेल ड्रेसअप की होती है, मेकअप वगैरह सब कुछ, तो हम लोग उसको बोलते हैं ये तो बहुत हाई फाई है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिच पीपल होता है पर वो भी खुद की एक नॉर्मल सी पर्सनालिटी रखता है, कि आप लोग उसको कभी भी मिल, कि आप लैंग्वेज से लेके बिहेवियर से लेके आप लोग कुछ भी देखो, जैसे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन भी है जिसकी पर्सनालिटी आप लोग देखोगे तो एकदम नॉर्मल क्लॉथ पहनते हैं, तो इट डजेंट मीन कि वो लोग पुअर हैं। तो एवरी वन हैज़ एन ओन पर्सनालिटी, कोई ऐसा होता है कि जिसके पास बहुत सारे क्लॉथ होते हैं पर वो रेगुलरली रूटीन डेज में आप लोग देखोगे तो 3-4 ड्रेस ही पहनता है, तो इट डजेंट मीन कि वो पुअर है, रिच है, कि उसका थोड़ा माइंड सेट ये है वो है, उसका लेवल अलग भी हो सकता है, वो कोई आगे के ज़्यादा सोचता होगा। तो हम कोई भी पीपल को डायरेक्टली कोई भी चीज़ से जज नहीं कर सकते, यही चीज़ प्रिजुडाइज यही चीज़ सिखाती है कि हम लोग नेगेटिव थॉट बना लेते हैं, जो एक्चुअल में पर्सन होता है एज वी कंपेयर टू अदर थिंग चेंज हो जाती है। सो हाउ टू ओवरकम प्रिजुडाइजेस, प्रिजुडाइजेस कैसे आता है, सो वी कैन ओवरकम प्रिजुडाइजेस बाय ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पीपल बिफोर जजिंग देम। हम जो लोग होते हैं उनको समझे, उसकी जो थॉट है उनको समझे, हम उसको पहले ही जज ना कर लें, ओके पर हम लोग क्या करते हैं पहले ही जज कर लेते हैं कि ऐसा है वैसा है। और वी शुड गिव अवर सेल्स एंड हैव अ चांस टू गिव टू नो ईच अदर बेटर बिफोर वी फ्रॉम ओपिनियंस अबाउट देम। वी शुड रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी ऑफ अवर कंट्री एंड लर्न मोर अबाउट डिफरेंट कल्चर्स लैंग्वेजेस एंड रिलीजन्स। दिस विल हेल्प इन ब्रॉडनिंग
our mindsets and make us respect other cultures and overcome prejudices. Most importantly, we should treat people the way we would like to be treated ourselves. हम लोग क्या करते हैं कि सामने वालों को ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हम लोग उसको ट्रीट करना चाहते हो. हमें सपोज़ इसकी पर्सनालिटी, चलो इसने ये क्लॉथ पहने हैं या ये नॉर्मल सी चीज़ ये यूज़ करता है, ये गेम खेल रहा है पर हमें वो गेम नहीं पसंद है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसकी पर्सनालिटी चेंज करते हैं कि यार तू ऐसा मत कर, वैसा कर, ऐसा नहीं. बट जिसको जिसमें इंटरेस्ट होता है वो बंदा वही चीज़ करेगा ना. हम क्यों उनको लेके अपने माइंड में ऐसे नेगेटिव थॉट बिल्ड कर लेते हैं. हम उनके जो कल्चर है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनके जो रिलीजियस है, बिलीफ है, तो हम उसके साथ क्यों नहीं मैच हो सकते. हम सभी के साथ ऐसे मैच होने लगे या सभी के माइंड सेट, सभी के थॉट समझने लगे, सभी के बारे में सोचने लगे, तो एटलीस्ट चलो किसी के बारे में नहीं सोचना, हमें अपनी ही करनी है, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. पर हम ऐसा नहीं है कि हम अगर कोई भी रीजन से हमें ये लैंग्वेज आती है तो इट डजेंट मीन कि जो दूसरी लैंग्वेज बोलता है वो लैंग्वेज डम्ब है. कोई इंग्लिश बोलता है तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलने वाला हर बंदा उसके पास नॉलेज होता ही है, नहीं. पर कंटेंट पावर जो होता है, वो जो मदर टंग होती है, उन लोगों के पास ही होता है. कोई कौन सा भी कल्चर फॉलो कर रहे हैं, सभी के अलग अलग बिलीफ होते हैं. कोई भी कल्चर, कोई भी ट्रेडिशन सब लोग फॉलो कर सकते हो. सभी के पास खुद की लाइफ है, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन है, हर ऑन लाइफ, हर ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन. तो कोई किसी भी तरह जज नहीं कर सकते. पर अगर हम उनके साथ रह के उनकी जो मेंटालिटी है, हम उसमें ट्राई करें कि हम उनके कल्चर के साथ हम अगर हम मैच हो, तो हम उससे क्या करेंगे, उससे हमारा जो माइंड है एकदम ब्रॉड माइंडेड हो जाएगा. हम सोचेंगे तो डेफिनेटली हम उसके कल्चर के साथ सेट होने लगेंगे, हमें बहुत कुछ नया कुछ सीखने को भी मिलेगा. क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो महाराष्ट्र से है, तो इट डजेंट मीन कि महाराष्ट्र का है तो उसको हमारी मदर टंग नहीं आती, उसको नॉर्मल सी हिंदी आती है, दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, हमारी मदर टंग नहीं आती. सो इट डजेंट मीन कि उसका जो लेवल है वो हमसे डम्प है. पर हम उसके लेवल से सेट होने जाए तो हम उसके लैंग्वेज से कुछ लर्न करें कि हम ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम गुजराती में ऐसे बोलते हैं या हिंदी में ऐसे बोलते हैं, तो आपकी लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं, तो हम उसके साथ रह के वो भी चीज़ सीखें. तो अल्टीमेटली आप लोगों का ही नॉलेज इंक्रीज़ होगा, नहीं कि डिक्रीज होगा, और हम लोग बहुत कुछ मीन्स बहुत कुछ सीख पाएंगे. पर हम लोगों की क्या मेंटालिटी है कि ये फ्रेंड है तो मेरा फ्रेंड मेरे टाइप का ही होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सभी के अलग अलग. मैंने बोला था ना, फाइव फिंगर्स आर नॉट सेम. हमें सभी के साथ एडजस्ट होके रहना चाहिए, रिलेशनशिप एक मेंटेन करनी चाहिए. एक रिलेशनशिप बिल्ड करो कि तो डेफिनेटली आप लोग बहुत मीन्स बहुत आगे चले जाओगे. सो यार, आवर टॉपिक इज़ प्रिजुडाइज इज़ ओवर. So I hope you student, you can understood this all lecture. So thank you so much and have a nice day and had a great future. Be learn, be good, do good. Okay, bye.